हेलो किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड किसान में। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी खेतों की मिट्टी को किस तरह से जोतेंगे जो आपका मिट्टी चूर हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, हमने खेत को जुताई किया हुआ है और ये मिट्टी पूरा तरह से चूर हो चुका है। ये खेत हमने हल से जोते हुए हैं, ना कि रोटा ट्रैक्टर से। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये मेरा हल रखा हुआ है और ये हम लोग इसको बंगला हल कहते हैं। इनके ऊपर भी एक दिन मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी खास बात क्या है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग जो अपना खेत में पटवन करेंगे तो किस प्रकार से पटवन करेंगे जो आपका मिट्टी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो ये खेत है, ये पूरा हमने इसको पूरा तरह से सूखने दिया। पूरा जब सूख चुका है ये, तो इसमें अब हम पानी दे रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अभी पेड़ रखेंगे, कुछ नहीं हो रहा है पेड़ से, लेकिन यहीं पे हमने अगर पटवन किया है तो आप देखेंगे मेरा पेड़ पूरा तरह से धंस जा रहा है। मिट्टी यानी कि पूरा चूर गल गया है। अब इनको जब आप जुताई करेंगे तो आपका मिट्टी ऐसे ही पूरा चूर हो जाएगा, जैसे कि हमने ये बगल वाला खेत को जोत के रखे हुए हैं। और याद रहे, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में बता दूं, जैसे कि ये ढेला है, इसमें हम पाँव रखते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा तरह से सूख चुका है। आप देख सकते हैं मेरा वेट इसमें चल गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहीं पे बगल में आप देख सकते हैं, हमने एक ढेला को पानी में भिगाया हुआ है। देखिएगा, इसको हम जैसे ही पेड़ रखते हैं, ये पूरी तरह से गल चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से गल चुका है। आप भी जब अपना खेतों में पटवन देंगे तो खेत को पूरी तरह से सूखने देंगे, उसका बाद पानी देंगे, और जब भी आप जुताई करेंगे तो आपका मिट्टी मेरे ही खेत का ऐसा बन जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो मिट्टी है, ये पूरा तरह से चूर है। हमने टमाटर भी लगाए हैं, जो कि बहुत मस्त हुआ है, और हमने टमाटर के ऊपर में एक वीडियो बनाए हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे कैसे भरे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आ करके। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।